मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज का ये कार्यक्रम आप सबके लिए आशीष का कारण बनने वाला है। आज इनकी गवाही बोलने के लिए सिस्टर मेरिन एनी हमारे साथ है। सिस्टर मेरिन मुंबई हार्वेस्ट लैंड मिशन चर्च में सेवकाई करने वाला परमेश्वर का दास रेनी जॉर्ज का वाइफ है। उन दोनों नौकरी के साथ परमेश्वर का सेवकाई भी कर रहे हैं। एक अच्छा परिवार प्रभु ने उनको दिया है। बाकी गवाही उनकी ही मुंह से आप सुन लीजिए। सिस्टर मेरिन, मेरी कहानी प्रोग्राम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। मैं तहे दिल से हार्वेस्ट इंडियन मिशन को, पासवान को और आपको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। सिस्टर मेरिन, आपका गवाही हमारे दर्शकों को जरा बता के दे दीजिए। आपका आदमी जिंदगी का शुरुआत कैसा था और क्या क्या अद्भुत काम प्रभु ने आपके लिए किया है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को जान पाई, तो यही बहुत बड़ी एक गवाही है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने से भी हुनर वाले या अपने से भी ताकतवर बुद्धिमान लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे प्रभु ने हमको चुना, उनको जानने का मौका दिया, तो इस वो सबसे बड़ा एक गवाही है। साथ ही मेरे परिवार को भी परमेश्वर ने छुआ, मतलब हम एक साथ आराधना कर पाए, वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि आज बहुत सारे घरों में वो नहीं होता है। बहुत सारे घरों में कोई एक अकेला रहता है विश्वास में और बाकी लोग नहीं रहते हैं, तो उनको बहुत चुनौती फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ पे पूरी परिवार के साथ मैं मसीह में हूँ। मेरी गवाही ऐसा है कि मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी तब जाके मैंने प्रभु को जाना, और तब जब शुरुआत में जब मैंने प्रभु को जाना तो उस समय जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मेरा एक मेंटर आप कह सकते हैं, उनको मैं बताती थी कि ऐसा होता है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था, तो उन्होंने मुझे बताया जब आप वचन पढ़ते हो तो आप ऐसा पढ़ो कि वचन आपसे बात कर रहा है। तब फिर मैं वैसे पढ़ने लगी तो मुझे बहुत कुछ ऐसे लगा जैसे कि वो यू नो उठ के खड़ा हो रहा है, या जो वचन है वो जीवन है जो बोलते हैं ना, तो वो यथार्थ या वो सत्य होते हुए मैंने वो अनुभव किया है। तब जाके बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है वचन से, तो तब जाके वो मेरा नींव था और वहाँ से शुरुआत हुआ। और फिर कॉलेज गई, शादी हुई, 2009 में मेरा शादी हुआ। शादी होने के एक साल दो साल बीत गए और मुझे बच्चा नहीं हुआ था, तो लोग फिर पूछने लगे कि अभी दो साल हो गए, अढ़ाई साल हो गया, तो कुछ मतलब बच्चे नहीं हैं अभी, तो मतलब ख़राब लगता था, बुरा लगता था कि नहीं है, और पहले तो लगा कि हो जाएगा, बट फिर जैसे जैसे टाइम बीतने लगा तो टेंशन बहुत होता था कि मतलब वो ऐसा चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, और तभी ऐसा लगता कि किस में कमी है, क्योंकि मैं बीइंग अ मेडिकल पर्सन तो मुझे ऐसा लगता था कि किस में कमी है, उनमें है, मेरे में है, या कुछ और प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग से जाता था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, तो और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन मैं मेरे हस्बैंड पे उतारती थी, एंड वो बहुत काम हो के उसको समझ में आता था कि मेरा क्या सिचुएशन है, उसने मुझे समझ के लिया उस टाइम पर, वो तो एकदम बहुत एकदम आड़े थे विश्वास में कि प्रभु देगा, दैट इज़ नॉट इन ह्यूमन हैंड्स, इट इज़ तो वो परमेश्वर का है, परमेश्वर से ही वो आता है और परमेश्वर वो देगा, क्यों नहीं देगा। और फिर वैसे टाइम पे बहुत सारे भविष्यवक्ता या परमेश्वर के दास ने बहुत बहुत बार भविष्यवाणी की, एकदम व्यक्तिगत रूप से बताया कि आपको लड़का के लिए लड़का और लड़की के लिए लड़की परमेश्वर देगा, तो ये सब जो वादे थे ये पकड़ के हमने प्रार्थना किया। फिर ऐसा बहुत मैं बहुत रोई हूँ, बहुत मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, और तभी सब परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा या अपने भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझे बोला कि तुमको लड़की के लिए लड़की और लड़का के लिए लड़का दे, तो ये सब तो वादे थे, इसको मैं पकड़ के मैं प्रार्थना तो करती थी, बट कभी कभार फिर भी निराशा होता था कि नहीं हो रहा है, और टाइम बीत रहा है, बहुत टाइम हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा फीलिंग होता था तभी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दुकान जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए,
और मैं जब जा रही हूँ, मैं जब चल रही हूँ रास्ते से, तो प्रभु ने मेरे से बात किया, मुझे बोला कि तू अपने मुंह से कबूल कर कि तू प्रेग्नेंट है, तू गर्भवती है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, बट फिर मैंने वो किया। मतलब जैसे वचन में भी कहते हैं कि तुम तुम्हारा जो विश्वास है वो मुंह से कबूल करो, अगर तुम मुंह से कबूल करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में लागू होगा। तो उसी प्रकार मैंने बस ऐसे ही मैंने बोला कि मैं भी सोच रही थी तभी मैं क्या कर रही हूँ, तो बट मैंने बोला कि मैं गर्भवती हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बस ये कहती गई, और वापस आते वक्त भी मैं बस वही, मेरे मन में वही चल रहा था कि बस ये कहो, एक भार जैसे, एक अंदर से एक बोझ जैसे आया कि तुम बस ये कहो कि यू आर प्रेग्नेंट। तो मैं बस बोलते गई आई एम प्रेग्नेंट, और मैं विश्वास किया, मैंने विश्वास के साथ वो बोला आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि फिर जैसे मैं बोलती गई तो मेरा विश्वास भी आ गया कि यू नो आई एम प्रेग्नेंट। तो वो हिसाब से फिर मैंने बोला और वो हो गया। वो उसी हफ्ते ऐसा हुआ कि हमने जब टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला। तो मैं परमेश्वर को बहुत कोटि कोटि मैंने धन्यवाद किया। फिर मैंने जब रिकलेक्ट किया कि जो जो हुआ यू नो, और जब वो रिजल्ट जब पॉजिटिव आया, जो खुशी था, दैट वॉज ट्रेमेंडस। और ऐसे प्रभु ने मुझे सबसे पहले एक बेटी दिया। बेटी का जन्म होने से पहले ही प्रभु ने हमको नाम दे दिया था, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। तो प्रभु ने नाम ये दिया जोयाना, बेटी का नाम दिया। जोयाना का मतलब है कि प्रभु यहोवा अनुग्रहकारी है। प्रभु ने एक बहुत ब्यूटीफुल नाम दिया जोयाना। प्रभु ने आपको एक बेटी दिया, उसके बाद मैं जानती एक बेटा भी दिया, उसके बारे में भी एक अल्भुत कहानी, उसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ बिल्कुल। बेटी को तो मांग के लिया था, उससे मांगे, बहुत प्रार्थना करके मांग के लिया, बट बेटी को तो परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि तुरंत एक साल के बाद ही तुरंत हमको दूसरा बच्चा भी परमेश्वर ने दिया है। बेटे के समय में ऐसा हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे एक टेस्ट बोला था, दैट इज ट्रिपल मार्कर करके टेस्ट होता है, वो टेस्ट करने के लिए। तो वो टेस्ट किया, जैसे नॉर्मल रूटीन जैसे टेस्ट करते हैं वैसे किया, और जो उसका रिजल्ट आया, एक्चुअली उसमें डाउन सिंड्रोम के लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव आया, फॉर डाउन सिंड्रोम। तो जब मेरे डॉक्टर, मेरे जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसने जब मेरे रिपोर्ट्स देखे, उसने बोला कि मेरिन, आई डोंट थिंक यू शुड कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी, यू शुड अबॉर्ट। तो मैं वो हॉस्पिटल रूम में, वो कंसल्टेशन रूम में, आई वॉज स्पीचलेस, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। मैं एकदम टूट सी गई थी मैंने उनके बाद, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन विजिट के लिए गई थी, क्योंकि वो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है करके, क्योंकि एकदम नॉर्मल सा प्रेगनेंसी था, एकदम सब अच्छा ही जा रहा था, और अचानक ऐसा एक खबर जब सुना मैंने, तो मैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उधर ही वो हॉस्पिटल रूम में मैं रो पड़ी। और फिर हमको बोला कि वेट करने के लिए, और अब डिस्कस करने के लिए कि क्या है करके। तो फिर मेरा हस्बैंड ने फिर तुरंत पास्टर फिनी को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला ऐसा ऐसा है करके। उन्होंने कहा कि जो संतान है वो परमेश्वर का देन है, तो कैसा भी बच्चा रहो, भले उसको, मतलब शायद जैसा भी हो, वो आप अगर एक्सेप्ट करने को, अगर वो निर्णय आप लेते हैं, तो परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा, ऐसा एक ऐसा उन्होंने कहा। तो वो बल पर, वो विश्वास के साथ हम वहाँ पे थे। और फिर हमारे डॉक्टर ने बोला कि एक दूसरे जगह, दैट इज़ एक स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए, वहाँ पे एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है वो करने के लिए, तो उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है, मतलब कितना रिस्क है और क्या है। तो हम बट वो टेस्ट में भी एक रिस्क है कि वो टेस्ट करते वक्त भी अबॉर्ट हो सकता है, तो वैसा एक रिस्क था। तो हम गए, वो स्पेशलिस्ट ने हमको सारा कुछ समझाया, हमको बताया कि अगर तुम्हारा बच्चा एक मंद बुद्धि रहेगा, तो आप सोचो आपका लाइफ कैसा रहेगा, उसका लाइफ भी आप बर्बाद करो, ऐसे बहुत सारा काउंसलिंग हमको दिया। हमने वो सब सुना और हम बाहर आए। फिर हमने वापस फ़ोन किया प्रभु के दास को, तो उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ टेस्ट मत कीजिए, आप लोग तुरंत घर आ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। तो हमने बस वो सुना, हमने बोला हमको कुछ टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम
अबॉर्शन के एकदम खिलाफ है, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ एक जीवन है या एक जान है, उसको किसी को ख़त्म करने का किसी को भी अनुमति नहीं है या किसी को भी उसका अधिकार नहीं है। तो हम फिर हमारे जो मेन डॉक्टर हैं उनके पास गए, उनको बोला कि हमको नहीं करना है वो टेस्ट। और तो उन्होंने हमको पूछा कि क्यों नहीं करना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला उनको कि हमारे पास्टर ने बोला है नहीं करना है इसलिए। एंड ही वॉज लाइक क्या, तो वो भी एकदम चौक गए कि ये क्या बोल रहे। फिर ऐसा हुआ कि हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से हम डायरेक्ट पास्टर फिनी के घर गए, उनको बताया जो कुछ हुआ, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना करते वक्त उन्होंने दूसरा राजा 11वां अध्याय में जोयाश राजकुमार के बारे में लिखा है वचन में, उसमें ऐसा कहा गया है कि उसको छोटे में बचपन में उसको मारने की रणनीति बनाई गई थी। तब जाकर उस समय के जो महायाचक है उन्होंने उस बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में छुपा के रखा और उससे जो मतलब जो आपत्ति या जो विपत्ति आने वाली थी उससे बचाए रखा उसके मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में। और जब ये वचन बताया तभी परमेश्वर के दास ने हमको बोला कि अगर आप भी इस बच्चे को अगर प्रार्थना में आप छुपाए रखेंगे तो आपको भी जोयाश जैसा ही एक बालक आपको भी देगा प्रभु। तो जब ये नाम, जब परमेश्वर के दास ने हमको जब ये जोयाश नाम दिया, ये नाम हमको बहुत पहले ही परमेश्वर ने दिया था। जोयाश जो नाम है ये इसका मतलब है प्रभु ने दिया है या यहोवा ने दिया है। तो ये जो जब ये नाम भी प्रभु के दास ने जब बोला तो हमको एकदम पक्का हो गया कि इसमें ज़रूर परमेश्वर की बहुत बड़ी एक अद्भुत कार्य प्रकट होने वाला है। तो हमने बस वो वचन को हमने बस पूरे परिवार ने, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं पूरे परिवार ने, हमने वो एकजुट होके वो वचन को पकड़ कर हमने प्रार्थना किया। हर सभा में हर जो भी प्रेयर्स में हम बस यही बोल के, जैसे जोयाश को तुमने छुपाए रखा है तुम्हारे मंदिर में, उसी प्रकार मैंने विश्वास किया कि मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो यहाँ पे और इस मंदिर में आपने जोयाश को छुपा के रखा है, ये बोलकर मैं प्रार्थना करती थी। और प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि हमको लास्ट मिनट तक, मतलब जब तक बच्चा बाहर नहीं आया तब तक हमको पूरा सस्पेंस था। मतलब क्योंकि हमको लगता था कि हमको तो विश्वास था कि प्रभु एकदम अच्छा तंदुरुस्त अच्छा बच्चा ही देने वाला है, बट फिर भी कभी कभार संदेह तो मन में आता ही है कि कैसा होगा क्या होगा, हमेशा वो विचार मन में रहता था। और वो एक बहुत बड़ा एक बैटलफील्ड था, मन में एक बहुत बड़ा एक युद्ध होता था। तो जब ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चे को बाहर निकाला, मैं कॉन्शियस थी, मुझे पूरा होश था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे स्पाइनल में था, मेरा सिजेरियन सेक्शन था। तो जब बच्चे को बाहर निकाला तो डॉक्टर ने सबसे पहले जांच करते हैं, जांच करके मुझे बोला कि बच्चा नॉर्मल है। मैंने वो सुनते ही मैं वो ऑपरेशन थिएटर के वो टेबल पे मैंने जोर से हालेलुया, मैंने जोर से मैं चिल्ला के हालेलुया मैंने वो कहा। मैं अभी भी वो याद करती हूँ वो समय, और वो जो खुशी, मैं रो रही थी, मैं हंस रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद जब रूटीन विजिटिंग के लिए जब डॉक्टर साहब ने विजिट किया हमारे बच्चे को, जब उसने देखा तो सबसे पहले मुझे बोला कि यू आर अ ब्रेव गर्ल। मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी बल है, वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरा कुछ नहीं है। और फिर बच्चे को हाथ में उठा के बोला कि गॉड इज़ ग्रेट। तो मैंने भी मन में सोचा कि यही डॉक्टर ने बोला था मुझे अबॉर्ट करने के लिए, और अभी यही डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। तो ये बहुत बड़ा एक गवाही था, ना कि सिर्फ हमारे लिए बट वो उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार हम रुके रहे, हम अड़े रहे, और कैसा परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। और अभी आप लोग देखेंगे तो मेरा बेटा एकदम नॉर्मल है, बहुत क्यूट है, परमेश्वर ने बहुत उसको सौंदर्य दिया है, अच्छी बुद्धि दिया है। तो मैं बहुत परमेश्वर की बहुत बहुत धन्य कहती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। देखो सिस्टर, मेरे का गवाही आप सुना, अगर आप में से किसी को संतान का आशीष अभी तक ना मिला तो आप विश्वास करो, प्रभु आपके लिए भी बड़ा अद्भुत काम करेगा।
अगर आप विश्वास करते हैं तो हम मिलके आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इसी वक्त प्रभु आपको भी छूने वाला है, आपका को भी प्रभु खोलने वाला है। आप विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। इस समय के लिए हम तेरी धन्यवाद करते प्रभु जी। जो भी प्रेषक है जो हमको सुन रहे हैं, अगर इसमें से किसी को भी एक संतान नहीं है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। तो इसी वक्त उनके को खोलना प्रभु। हालेलुया। हमें जो आशीष दिया है प्रभु, वही आशीष आप उनको भी देना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप काफी लोगों को आज छुआ है प्रभु जी, काफी को आज प्रभु ने खोला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु ने ऐसा किया करके हमें। इसी वर्ष इसका रिजल्ट अब देखने वाला है। प्रभु आपको आशीष करेगा। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, उस प्रार्थना का जवाब उत्तर आपको मिलने वाला है। मैंने कहा परमेश्वर के वचन में इंपॉर्टेंट कुछ प्रेयर्स, उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रेयर, काफी प्रेयर से एक इंपॉर्टेंट प्रार्थना। हम काफी बार वजन सुना, एक भाग है पहले शमूएल का किताब, पहले अध्याय। किताब का नाम शमूएल का किताब है और इस किताब एक नया इसराइल का राजा को अभिषेक करने के बारे में बता के दिया किताब है। लेकिन इस किताब का शुरुआत हन्ना करके एक स्त्री का प्रार्थना से है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, बड़े बड़े परमेश्वर का कामों का सब शुरुआत कोई एक स्त्री का प्रार्थना का द्वारा था। तो परमेश्वर ने काफी स्त्रियों का कोख के अंदर क्या देखा, बहुत बड़ा प्लान, फ्यूचर प्लान देखा। मैं सबको कहना चाहता हूं गॉड इज हैविंग ए ग्रेट प्लान अबाउट योर लाइफ टुडे। कैन समबडी से मेरे बारा में, मेरा अंदर प्रभु ने बहुत बड़ा एक पद्धति रखा है। शमूएल का किताब का शुरुआत एक स्त्री से शुरू हो गया। एक स्त्री का प्रार्थना देश को बदला। अब पूछेगा कैसे देश को बदला, क्योंकि नाइयों का किताब का आखिरी भागों में उस किताब को ऐसे खत्म किया है। उस जमाने में इसराइल में राजा नहीदा, देश में राजा ना होते तो क्या होने वाला है। उधर लिखा है लोग अपना अपना मर्जी में चला, जिसको जो ठीक लगते वो करते था। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ए प्लेस और ए नेशन वेयर देयर इज नो प्रॉपर लीडरशिप। प्रॉपर लीडरशिप कोई भी संस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कलीसिया हो, एक अच्छा लीडरशिप नहीं है तो क्या होने वाला है, मतलब लोग अपने अपने मर्जी में चलने वाला है। तो मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, देश में जहां राजा नहीं था, देश का स्थिति ऐसे स्थिति था, पूरा क्या बोलते ऑर्डरलेस, उलझ गई अवस्था था, उस देश में प्रभु एक नेता को लाना चाहते था, एक लीडरशिप को लाना चाहते था। व्हेन ए प्रॉपर लीडरशिप विल कम, थिंग्स विल वर्क इन द राइट वे। हालेलुया। लेकिन प्रॉपर लीडरशिप कैसे आएगा, प्रभु ने निर्णय लिया कि राजा को बाहर लाने के लिए। एक राजा को बाहर लाने के लिए प्रभु ने क्या किया, एक स्त्री को चुना। तो राजाओं को अभिषेक करने के लिए एक बेटा इनकी कोख से बाहर आने वाला है। लेकिन जो राजाओं को अभिषेक करने के लिए जो बेटा आने वाला है, वो बेटा जल्दी बाहर आया नहीं, जल्दी उनकी कोख में एक बच्चा दिया नहीं। आपने पूछा क्यों, वो भी परमेश्वर का पद्धति है, वो भी परमेश्वर का पद्धति है। शमूएल का किताब उस कहानी बता के शुरू कर रहे। मैं इसे कहना चाहता हूं, देश में राजाओं को अभिषेक करने के लिए प्रभु ने बुलाया हुआ एक बेटा तेरा कोख के अंदर से बाहर आने वाला है, एक प्रॉफेट तेरा कोख से बाहर आने वाला है। लेकिन जैसे सोचा वैसे ये बच्चा का जन्म जल्दी हुआ नहीं, शादी हो गया, काफी साल से बच्चा नहीं है। शमूएल का किताब का पहले अध्याय में क्या कहते मालूम है, यहन्ना बहुत दुखी थी, उन्होंने बहुत रो रो के प्रार्थना करते था। और एक दिन हालेलुया, जो बलि वर्ष में एक बार होते था
उस बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने शिलो में प्रभु का तंबू जहां में वहां मां पहुंचा और उस साल उन्होंने प्रभु को उपस्थित में एक निर्णय लेकर प्रार्थना किया। क्या निर्णय लिया मालूम है? प्रभु अगर मुझे एक बच्चा देगा तो मैं उसको आपका सेवकाई के लिए देने वाला है। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु पहले क्यों इनकी को खोला नहीं? जब तक इन्होंने निर्णय नहीं लिया तभी तक प्रभु ने इंतजार किया। इनका एक डिसीशन के लिए प्रभु क्या किया? इंतजार क्यों? ना तो आपको जानते उस जो यलकाना करके इनकी पदी उस देश का बहुत अमीर एक व्यक्ति है और हन्ना को जो जन्म होने वाला बेटा उस देश में उस अमीर पिता का सारे संपत्ति का वारिस बन के एक अमीर बन के बैठने वाला था उधर, है ना, एक रिच पर्सन। अगर पहले ही बच्चा होते तो यह कुछ कहानी ऐसे होने वाला नहीं था। पहले ही बच्चा होते तो वो कभी भी सेवकाई के लिए आने वाला नहीं था। इसलिए प्रभु ने रुका, उनका मां का निर्णय के लिए रुका। क्या निर्णय लिए उन्होंने? जगह उन्होंने जाकर प्रभु को उपस्थिति में कहा, प्रभु अगर मुझे एक बेटा देगा तो मैं आपके लिए उनको समर्पण करने वाला है, आपका सेवा के लिए देने वाला है। ये सुनने वाला अब सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अब कुछ विषयों के लिए जब प्रार्थना करेगा कुछ निर्णय लेके प्रार्थना करना है। हालेलुया। कुछ निर्णय लेके आपका निर्णय के ऊपर प्रभु काम करेगा। जितना देर आपको लगेगा प्रभु जो आपसे चाहते उस शब्दों में आपका मुंह से आने के लिए आपका जवाब भी उतना उतना हालेलुया देर लगने वाला है। इसलिए कुछ लोग ऐसे कहो, लॉर्ड आई एम रेडी, जो आप चाहते मेरा जिंदगी के द्वारा उसके लिए मैं मुझे समर्पण करने के लिए तैयार है। हना ने उस साल एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं प्रभु को इस आशीष देने वाला है, अगर मेरा जिंदगी में छुटकारा होते तो मैं मेरा बेटा को परमेश्वर के लिए देने वाला है। उसी साल प्रभु ने उनकी जिंदगी में अद्भुत किया। क्यों? क्योंकि प्रभु वही चाहता था। प्रभु इनकी कोख के अंदर क्या देखा है? एक भविष्य तक को देखा है। प्रभु इनकी कोख के अंदर एक एलकाना का बेटा बहुत अमीर बन के जीने वाला एक व्यक्ति को नहीं देखा, मगर प्रभु चाहते थे इनकी कोख के अंदर से एक भविष्य बाहर आने के लिए। अगर इनकी कोख के अंदर से एक भविष्य बाहर आना चाहिए तो पहले मां ने एक निर्णय लेना चाहिए था। क्या निर्णय लेना चाहिए था? हालेलुया, मेरा बेटा को प्रभु जी, हालेलुया, मैं आपको देने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस स्त्री का एक निर्णय पूरे देश का क्या बोलते भविष्य को बदला। एक व्यक्ति का निर्णय एक देश का भविष्य को बदला। हालेलुया। आपका निर्णय आप सोचेगा बहुत छोटा है, मेरा निर्णय मेरा परिवार का निर्णय, नो, दैट्स गोइंग टू मेक हिस्ट्री, इतिहास रचने वाला है आपका द्वारा। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हालेलुया, एक निर्णय के साथ में, एक बोल्ड डिसीशन के साथ में आप भी खड़ा हो जाओ। गॉड विल वर्क ए मिरेकल इन योर लाइफ। आपका जिंदगी में प्रभु ने जरूर एक अद्भुत कार्य करने वाला है। कितना लोग आज सुबह कहा, प्रभु जी इस वचन के सामने मैं समर्पण करते नम्र करते, डू ए मिरेकल इन माय लाइफ, मेरे जिंदगी में एक अद्भुत कार्य कर दीजिए। हल्का शांतनार का जगह शरी हन्ना का कोक के अंदर प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को देखा। अगर 2 साल पहले इस बच्चा का जन्म होते तो वो कौन बनने वाला था? ए रिच पर्सन, है ना, हु इज स्टेइंग इन रमतीम सेफीम में रहने वाला एक अमीर लड़का। लेकिन 2 साल जब आगे गया, 1 साल उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? हालेलुया, इस बेटा को मैं एक अमीर बनाना नहीं चाहता हूं, इस बेटा को मैं प्रभु आपके लिए देना चाहता हूं। आपका छुटकारा। और 1 साल आगे क्या हो गया?
लेट हो गया मत सोचो, दुखित मत हो जाओ, निराशित मत हो जाओ, मत सोचो प्रभु ने उत्तर दिया नहीं। अगर हन्ना का प्रार्थना का जवाब पिछले साल मिलते तो कभी भी इस लड़का का हम आने वाला नहीं था मंदिर में। लेकिन एक साल जब छुटकारा लेट हो गया, शी टुक अ डिसीजन, मेरा बेटा मेरा पति का बंगला में भी रहने वाला नहीं है, परमेश्वर का तंबू में रहने वाला है। एवरी आईज क्लोज्ड, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू सरेंडर योर लाइफ? इट्स नॉट अ सिंपल डिसीजन माय डियर चर्च, इट्स नॉट अ सिंपल समर्पण, हालेलुया, बट इट इज समथिंग लाइक दैट यू एग्री विद गॉड दैट यू फेल्ड इन लॉट ऑफ एरियाज ऑफ योर लाइफ, इन यू फेल्ड इन मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर फेलियर। आपने आपका हार को अंगीकार करके बोलने के लिए तैयार है। मैं सच आपको बोलना चाहता, काफी लोगों को प्रभु इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते, हम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रभु को उपस्थिति में जाकर कहा, प्रभु जी मैं हार गया, मैं हार गया, आई फेल्ड इन माई लाइफ, आई एम रेडी टू सरेंडर माई लाइफ, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम गॉड विल टच योर लाइफ। आपका हार को प्रभु जीत बनाने वाला है। कर्ता वे ये वजन तुम्हें समर्पित, प्रभु इस वजन का सामने हमें नम्र करते, सबको समर्पण करते प्रभु जी। जब हम हार गया, जहां हम जिंदगी में शून्य बन गया, जहां जो धरती शून्य और बटोल था, वैसे अपना जिंदगी में ऑर्डरलेस कायोस करके सिचुएशन था, उस कायोस को आपने हलल सुलझाने वाला परमेश्वर है। एकदम हलल तितर फितर हो गया अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर है। जिंदगी के हर इलाकों को बना लीजिए प्रभु जी, अपने निर्णयों में आपका बहुत बड़ा पद्धति शुरू होने वाला है। भाई बहन, आपका छोटा डिसीशन में, व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ, दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ ए बिग प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। हन्ना तेरा कोख के अंदर से अभी शमूएल बाहर आया, उस शमूएल कैसे बालक है, एकदम बच्चादा छोटा बालक था, तब से भविष्यवाणी बोलना शुरू किया, तब से दर्शन देखना शुरू किया, तब से प्रभु का आवाज सुनना शुरू किया। उसी भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने राजाओं को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया। जिस देश में राजा है नहीं था, जिस देश में लोग अपना अपना रास्ता में जो उनका मन में टिक लगते वैसे जीने वाला लोग देश में, सब ऑर्डर में लाने के लिए, उस देश को सुलझाने के लिए, उस देश को सुधारने के लिए प्रभु ने क्या किया, उस लड़का को इस्तेमाल किया। आपको और आपका परिवार को प्रभु इस्तेमाल करेगा। समर्पण कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए।